व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आप सभी का दोस्त रोहन भटीजा। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। एंड वीडियो का टाइटल देख के आप समझ चुके हो, हम लोग हैं नासिक में। नासिक सुनते ही ना सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है वो कुंभ का मेला या ग्रेप वाइन्स या एक अच्छी नासिक की स्पाइसी मिसल। ऐसे ये सब तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता ही है। नासिक में आपको और भी खाने की चीज़ें मिलती हैं, जैसे ये वीडियो में आप देखोगे टोकरी चाट हो गई या कुछ अच्छी मैंगो लस्सी हो गई जो एक काफ़ी अच्छी पॉपुलर जगह पे मिलती है। मिसल बात तो खैर आप देखोगे, कड़ी समोसा जो नासिक में काफ़ी कम लोग को पता है, शायद आपने सुना भी नहीं होगा। और भी बहुत सारी डेलिकेसीज आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। चलिए चलते हैं सवेरे सवेरे नासिक की सबसे फेमस ब्रेकफास्ट प्लेस कहाँ पे, चलिए आपको समझाता हूँ। कम ऑन, तो आज का ही नासिक स्ट्रीट फूड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ कोर्स विद सम मिसल पाव। एंड वही मिसल पाव खाने के लिए हम लोग आ चुके हैं ग्रेप एम्बेसी की स्पेशल मिसल खाने। अब आप सुनोगे कि यार ये ग्रेप एम्बेसी कैसा नाम है। बेसिकली ग्रेप एम्बेसी जो यहाँ पे एक छोटा सा ग्रेप की प्लांटेशंस कैसे होती हैं, सॉर्ट ऑफ वो एरिया है। इट्स एन ओपन एरिया, खट पे आप बैठ के मिसल खा सकते हो। यहाँ पे अगेन बहुत ही डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वाइब आपको मिलेगा। जैसे साधनाची मिसल में आपको एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वाइब मिलता है। पेरू वर्ची मिसल भी एक जगह है जहाँ पे पेरू इज़ बेसिकली अ थीम, जहाँ पे आपको पेरू मिलेंगे, आपको आइसक्रीम मिलती है। सिमिलरली ग्रेप एम्बेसी में आपको ग्रेप्स मिलते हैं मिसल के साथ खाने को, विच इज़ अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ। मतलब मैंने नासिक में पहले भी मिसल्स खाई है, बट दिस हैज़ टू बी लाइक द बेस्ट एम्बियंस व्हेन इट कम्स टू द प्लेस। फिलहाल खाने के लिए मैंने अपने लिए ऑर्डर कर दिया एक मिसल पाव, उसके साथ एक छाछ। सो लेट्स वेट। तो हमारी मिसल यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि ग्रेप एम्बेसी इसका नाम है तो यू विल ऑल्सो गेट रेजिन्स। वेल आई डिडंट नो यहाँ पे ग्रेप्स को रेजिन्स बोलते हैं, दैट्स वन थिंग विच आई केम टू नो। इनफैक्ट ओनर अभी आए थे हमसे बात कर रहे थे, तो हम उनसे भी बाद में बात करेंगे अच्छे से। फर्स्ट अप मिसल, नीचे से सेव, उसके साथ ऊपर स्प्राउट्स, बाजू में हमारे पास यहाँ पे दही है, दो पाव है जो सेकी हुई है, बटर भी हमने आपको पहले दिखाया, भर के गरम गरम रस्सा है, एंड स्पाइसी तरी। एंड स्पाइस को टोन डाउन करने के लिए वी ऑल्सो हैव अ बिग पापड़ विच इज स्टेपल। ऐसे पापड़ आपको हर मिसल प्लेस में मिलेंगे व्हेन यू ईट इट इन नासिक। एंड मैंने छाछ भी साइड में ऑर्डर किया। एंड योर वी हैव नींबू एंड कांदा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए द कलर इज़ वेरी गुड। आप अगर इस रस्से का कलर देखोगे, कलर मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। तेल आपको ऊपर से दिखेगा, हालांकि व्हेन यू कंपेयर इट विद तरी, तरी में अलग ही लेवल का तेल रहता है, ये मीडियम स्पाइसी रहता है। मैं हल्की सी तरी डाल रहा हूँ, आप ज़्यादा डाल सकते हो क्योंकि मैं मीडियम स्पाइसी खाना पसंद करता हूँ। तो ये पाव है काफ़ी बटरी है, थोड़ी सी छोटी है, बट इट्स क्वाइट सॉफ्ट फ्रॉम द इनसाइड, हल्की सी गर्म भी है ये पाव। वन थिंग विच आई रियली लव अबाउट नासिक की मिसल कि उनका जो सेव रहता है ना काफ़ी सा लंबा लंबा रहता है। अभी आप देखोगे ना सेव कितना लंबा लंबा था मेकिंग में भी हमने देखा। भाई स्पाइसी तो है, बट दिस मिसल हैज़ अ लॉट एंड लॉट ऑफ स्प्राउट। इफ यू टॉक अबाउट फरसान एंड सेव ऊपर का, उसको थोड़ा साइड में रखो, बट स्प्राउट्स इज़ द रियल गेम। इवन तो मैंने नीचे से भी उठाया मिसल को, बट फिर भी डोमिनेंट टेस्ट मुझे ऑनेस्टली स्प्राउट्स का ही आया है। सबसे नीचे अगर आप देखोगे जो सेव है वो सौगे थोड़ा इजीली हो जाता है, क्योंकि वो मोटा सेव है, तड़ी और रस्सा बहुत इजीली पकड़ लेगा। स्प्राउट्स की वजह से ना आपको सॉफ्टनेस आएगा, हल्का सा क्रंचीनेस भी आएगा, एंड जो ऊपर से जो सेव डाला हुआ है पतला वाला, उसके वजह से आपको बहुत ही एक कड़क टेस्ट आने वाला है। एंड द बेस्ट पार्ट है जो ऊपर का सेव है वो काफ़ी टाइम तक अपना क्रंच और क्रिस्प होल्ड कर रहा है, अनलाइक द जो नीचे सबसे ज़्यादा फरसान है वो जो इजीली सॉगी हो रहा है। इफ यू आर समवन हु लाइक्स मोर ऑफ अ फरसान बेस्ड मिसल, इट माइट बी सब्जेक्टिव टू यू, बट आई लव माई मिसल हैविंग अ बैलेंस ऑफ स्प्राउट, फरसान, रस्सा का स्पाइस वगैरह काफ़ी अच्छा है। तरी मैंने लिमिट में डाली है। ये है ग्रेप एम्बेसी के ग्रेप्स, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट रेजिन्स। सो अगर आपको ये खाते खाते मिर्ची लग रही है, जो लगने के चांसेस बहुत हाई है, तो ये ग्रेप एम्बेसी के ग्रेप आप ट्राई कर सकते हो। तो ये पापड़ हम ले लेते हैं हल्का सा। वेरी क्रिस्पी, वो ऑयल में तले हुए का जो एक फ्लेवर आता है ना मुंह में, वो इसमें से काफ़ी अच्छा आ रहा है। ओवरऑल मिसल इज़ वेरी गुड। साइड में मैंने छाछ भी मंगाई यहाँ पे अपने लिए। छाछ हैज दैट पुदीने का टेस्ट और ज़्यादा डोमिनेटिंग, इसके से मेरे को हल्की सी कड़वाहट आ रही है, बट यू हैव टू कम हियर फॉर अ मिसल एंड अ गुड वाइब विद योर फैमिली। मेरा नाम सुरेखा प्रकाश संदान है। आइडिया ऐसा आया हमको कि हम सब लोग फार्मर हैं,
तो फार्मिंग में हम लोग गेस्ट को क्या दे सकते हैं, तो नासिक में मिसल फेमस है, तो ग्रेप्स के नीचे मिसल दिया तो लोग ज़्यादा खुश होंगे, ऐसा हमने सोचा। कभी चालू किया है आपने? अभी ये 28 फरवरी का 2 साल हुएंगे। मतलब ये आप तकरीबन आपने 2021 के आसपास आपने हाँ, ये शुरू किया हाँ। है अलग क्या है अगर हम बाकी मिसल की बात करेंगे और आपकी ग्रेप एम्बेसी की बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसा अलग क्या है? हमारे मिसल में घर का बनाया हुआ मसाला रहता है। अच्छा, ये सब आपके घर के होते हैं? घर के मसाले बनाए रहते हैं, प्लेट में ग्रेप्स देते हैं और जब सीजन रहता है तो फ्रेश ग्रेप्स देते हैं। अच्छा, साल भर में ग्रेप्स का कुछ ना कुछ इधर मिलता है। थैंक यू। तो मिसल पाव तो हम लोग ने खा ली, बट देयर इज वन मोर थिंग इन नासिक जो बहुत लोग खाना पसंद करते हैं, ये कड़ी समोसा हो गया एक चीज़। तो ऐसी ये कड़ी समोसा की जगह मैं आ चुका हूँ, माउली कड़ी समोसा। अब ये एक ही पॉपुलर प्लेस है जो मुझे मिली, ऐसे और भी आपको प्लेसेस मिलेंगी बट दिस वन हियर इज क्वाइट पॉपुलर। कड़ी समोसे का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, आलू का समोसा होता है, उनको कट किया जा रहा था, उसके ऊपर से जो बेसन की कड़ी होती है वो डाली जा रही थी और इनकी स्पेशल एक गार्लिक की रेड कलर की चटनी इन्होंने डाली हल्के से सेव के साथ। वैसे यहाँ पे आपको मूंग भजी भी मिलता है। दिस इज हाउ अ प्लेट ऑफ कड़ी समोसा लुक्स लाइक। कड़ी जो है वो बेसन की है, हल्के हल्के से मस्टर्ड सीड्स हैं, काफ़ी सारा धनिया है, अगर आप मस्टर्ड सीड्स देखोगे तो ऐसा आपको दिखेगा। काफ़ी पतला सेव है टू गिव इट अ गुड क्रंची टेक्सचर। कड़ी की कंसिस्टेंसी गाढ़ी है, एकदम पतली कड़ी नहीं है। ऊपर से ये इनका मेरे को लग रहा है गेम चेंजर मसाला है या चटनी है जो काफ़ी लोग ले रहे थे। सो लेट्स टेक दिस समोसा विथ कड़ी, लुक एट दिस। यहाँ पे हल्के से करी लीव्स भी मुझे दिख रहे हैं। तो ये एक बाइट में ना मेरे को समोसे का भी टेस्ट आएगा, कड़ी का भी आएगा और वो गार्लिक चटनी का भी आएगा, सेव का भी आएगा। तो ये एक बाइट में काफ़ी मालूम पड़ जाएगा। ओ वाओ, जो बेसन का खटास आता है ना आपको, ये वैसी कड़ी नहीं है, चटाकेदार मसालेदार ही आपको कड़ी समोसा लगेगा। गेम चेंजर उनका वो रेड चटनी है। दिस इज अ कम्प्लीट ब्लेंड ऑफ गुड स्पाइसेस विद हल्का सा वो आपको कढ़ी का जो ग्रेवी रहता है ना उसका भी आपको ब्लेंड काफ़ी अच्छा आएगा। समोसा क्रंची है, आलू हल्के सा स्पाइसी है, कढ़ी इस मीडियम स्पाइसी बट ये उन्होंने काफ़ी कम डाला है और मैं समझा क्यों ये लाल चटनी कम इसलिए डाली है क्योंकि काफ़ी तीखा है। और क्रंची समोसा एंड आलू अगर आप अंदर से देखोगे ना, इट्स नॉट योर येलो आलू, प्लेन आलू कैसा रहता है जिसको कोई ज़्यादा कलर या ज़्यादा डाला नहीं जाता है, हल्दी वगैरह। अगर आप समोसा भी खाओगे तो यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड। सो फॉर अ क्विक स्नैक दिस प्लेस कैन बी अ गो टू वन। मैं आज जो भी खा रहा हूँ जहाँ भी खा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में ना आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी प्राइसेस के साथ और लोकेशन के साथ और स्क्रीन पर भी आपको दिख रही होंगी। लव इट। तो आज की नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग खाने आए हैं वो भी एक काफ़ी पॉपुलर चीज़ है नासिक में, बग्गा स्वीट्स की चाट। अभी यहाँ पे मैंने इनकी सबसे पॉपुलर टोकरी चाट ले ली है। ये टोकरी चाट में एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अलग लग रही है वो है कि छोले का मसाला इन्होंने डाला है, ऊपर से बहुत सारी दही चटनी मसाले, पीनट्स है, हल्का सा सेव मुरमुरा है, गाजर क्रश करके डाली है। ये देख लीजिए, स्टाफ ने बोला कि क्रश छोले और उसका मसाला डाला जाता है, तो मैं एक बार ऐसे बीच से लेके देखूंगा टू सी हाउ इट टेस्ट लाइक। वाह, सबसे पहले बाइट में ना मुझे चटनी और दही की इतनी अच्छी ठंडक आई है मेरे मुंह में। जो चटनियां हैं इनिशियली आपको थोड़ी स्वीट लगेंगी, आप खाते जाओगे ना उसका एक तीखापन आपको गले में हिट करेगा, एंड देन बूंदी, पीनट्स, कांदा, टमाटर, सेव, इन सब का एक काफ़ी क्रिस्प आपको टेक्स्चर आएगा आपके मुँह में। और अंदर इन्होंने छोले का जो मसाला डाला है ना वो काफ़ी गेम चेंजर है, खट्टा मीठा तीखा तीनों का अच्छा फ्लेवर आ रहा है। एक चीज़ जो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आ रही है, फरसान जो डाला है ना कोई भी टाइप का मोटा फरसान, सेव, जो पीनट्स हैं, बूंदी है, सब क्रंच होल्ड कर रहे हैं, इजीली सॉगी नहीं हो रहे हैं। अभी मैं क्या करूँगा ना, ये टोकरी ट्राई करूँगा बाहर की, जो मेन चीज़ है। टोकरी का जो क्रंच है ना अब तक परफेक्ट है। ओवरऑल अगर आप मेरे को बोलोगे इट्स अ वेरी नाइस क्रंची फ्लेवरफुल
टोकरी चाट टू ट्रायड बगा स्वीट 70 rupees का प्राइस है। 70 के हिसाब से इट्स अ वेरी यू नो अफोर्डेबल टोकरी चाट, 2 से 3 लोग भी खा सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारी मिठाइयाँ मिलती हैं, महाराष्ट्रन मिठाइयाँ मिल जाएंगी आपको एंड लस्सी भी मिल जाती है। घर वाले खा रहे हैं पानीपुरी, चलो देखते हैं वो कैसी टेस्ट करती है। स्पाइसी, खट्टी मीठी, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी। एक और चीज़ जो यहाँ पे काफ़ी फेमस है इज़ अ मैंगो लस्सी। वैसे मॉम को मैंगो लस्सी पीना पसंद है, उन्होंने बोला एक मैं ट्राई करूँ, तो मैंने बोला मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। ये देखिए, ये छोटा सा ग्लास है और काफ़ी गाढ़ा है ये। ये देखिए, हल्की सी मेरे को लग रहा है ये मैंगो आइसक्रीम है। 25 rupees का ये छोटा सा ग्लास है। मैं इसको ऐसा एक बार चम्मच से ट्राई करके देखूँगा। ओ वाओ, इसके अंदर मलाई भी डाली हुई है, जो गाढ़ी मलाई होती है ना वो भी डाली हुई है। सारा गेम मैंगो लस्सी का फ्लेवर का है, हल्का सा खट्टा, हल्का सा मीठा। ऑफकोर्स अभी मैंगो का सीज़न नहीं है क्योंकि सर्दियाँ हैं, बट फिर भी इतना रिच एंड प्योर टेस्ट आ रहा है मुझे ये मैंगो लस्सी से। 25 rupees की है। अगर आप आते हो तो मैंगो लस्सी डेफिनेटली ट्राई करिएगा, पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आई। तो एक और चीज़ जो नासिक में बहुत लोग खाना पसंद करते हैं, विच इज़ अ डाबेली। यस, आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि नासिक में डाबेली का इतना क्रेज होगा, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ हाइप अबाउट डाबेली। एंड ऐसी एक पॉपुलर प्लेस में आ चुका हूँ डाबेली खाने, विजूज डाबेली पे, कॉलेज रोड पे आता है ये डाबेली जो मैंने लिया अपने लिए, दैट इज़ अ चीज़ डाबेली। यू गेट अ वेराइटीज ऑफ डाबेली, देर इज अ बटर डाबेली, जैन डाबेली, विजू स्पेशल डाबेली, मेयोनीज डाबेली, चीज़ डाबेली, बटर चीज़ डाबेली, लोड्स ऑफ वेराइटी। वैसे इनका फिलहाल रेनोवेशन में चल रहा है, इनका ऊपर भी सीटिंग है, नीचे भी सीटिंग है। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया एक चीज़ डाबेली ले ली है, विच लुक्स लोडेड। लुक एट दिस, इफ यू लुक एट दिस डाबेली, सिर्फ डाबेली तक ही ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसके बाजू में भी अगर आप देखो तो नीचे इतने सारे स्पाइसी पीनट्स, सेव है, बहुत सारा चीज़ है। और जो पाव है ना, इसको बटर पे बहुत सेका जा रहा था टू गिव इट अ नाइस क्रंची टेक्सचर। अंदर आलू की भाजी, एक गार्लिक की स्पाइसी चटनी, एक खट्टी मीठी चटनी, हल्का सा यू नो यहाँ पे मुझे अनार भी दिख रहा है, हल्का सा अनार मुझे दिख रहा है। अंदर भी पीनट्स डाले हुए हैं, ढेर सारा चीज़ ग्रेट किया डाला हुआ है। तो इसको ट्राई किया जाए। ओके, पहले बाइट में ना जो चीज़ ग्रेट की गई थी ना, उसका एक बहुत ही प्रोमिनेंट टेस्ट आ रहा है। जो भाजी यूज़ की गई है उसकी हल्की सी खटास आ रही है, मिठास आ रही है, और उसके बाद चटनी भी डाली गई। मतलब ये थोड़ी मुझे ज़्यादा ऑन द स्वीटर साइड लग रही है, क्योंकि भाजी में भी मिठास है, जो मीठी चटनी डाली थी उसमें भी मिठास आ रही है, आलू से तो नॉर्मली मिठास आती है, थोड़ा स्वीटर साइड पर मुझे लग रहा है। लेकिन द प्लस पॉइंट इज जो चीज़ ग्रेट की गई है ना, उसकी वजह से ना एक नाइस बटरी और यू नो चीज़ फैलने जैसा टेस्ट आ रहा है मेरे मुँह में। आफ्टर आई टुक द सेकंड बाइट, नाउ आई कैन टेल यू कि स्पाइस मुझे अच्छा खासा किक हो रहा है। ये डाबेली का सबसे बेस्ट बात अगर मैं आपको बताऊंगा, इसके लोडेड है, तो सिर्फ ऐसा एक डाबेली अंदर स्टफिंग दे दिया वैसा नहीं है। साइड में चीज़ें जो दी गई है ना, ये मसाला, पीनट, सेव, चीज़ जो भर के डाला गया है, विच वुड मेक इट अ सॉर्ट ऑफ अ फिलिंग स्नैक एंड नॉट ओनली यू नो कि यार बस डाबेली खा लिया तो हो गया काम। सो इनिशियली आपको स्वीटनेस इट होगी जब आप ये डाबेली खाओगे, बट एज यू कीप ईटिंग वो तीखा गार्लिक चटनी आपको किक होगा स्लोली। बट यू आस्क मी द आलू का मिक्सचर इज ऑल्सो क्वाइट गुड, सेव इज ऑफ अ गुड क्वालिटी, चीज़ का अच्छा ब्लेंड आ रहा है। पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, आप भी आके डेफिनेटली ट्राई करिएगा। और हाँ गाइस, अगर अब तक आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है, इस वीडियो को एक लाइक डेफिनेटली कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी डेफिनेटली कर दीजिएगा। तो आज की नेक्स्ट चीज जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं नासिक में, वो है सयनतारा के फेमस साबूदाना वड़े, जो ढेर सारे पीनट्स में बनाए जाते हैं और पीनट्स की चटनी के साथ सर्व किया जाता है। मैं आया हूँ न्यू सयनतारा में, जो कॉलेज रोड पे आता है। एक इनका पुराना सयनतारा है, जो ओरिजिनल था वो बहुत ही फेमस है, बट वहाँ पे ना थोड़ा ट्रैफिक आपको ज्यादा मिलेगा। ये भी सेम ही है, वो भी सेम ही, यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है। यहाँ पे मैंने अपने लिए 2 पीस
दैट इज एक प्लेट साबूदाना वड़ा ले लिया है जो आपने देख लिया, उसको मैं ट्राई करके देखता हूँ। वैसे यहाँ पे ना आपको फोर व्हीलर टू व्हीलर लगाने की जगह कभी मिलेगी, तो मैं थोड़ा जल्दी खाऊंगा। चटनी स्वीट, क्रश पीनट्स का टेस्ट आ रहा है। साबूदाना भाई इतना ज़्यादा क्रिस्पी है, इतना ज़्यादा क्रंची है, व्हेन यू टेक अ बाइट आपके मुंह में पूरा क्रंच आएगा साबूदाने का। हल्के से उन्होंने अंदर ग्रीन चिलीज भी डाले हैं, एकदम हल्के हल्के से अंदर पीनट्स हैं। 35 रुपीज़ के आपको दो मिलेंगे, बट दिस टेस्ट वेरी वेरी गुड। यहाँ पे इतना बड़ा एलेबरेटिव मेन्यू नहीं है, मोस्टली आपको ऐसे एक दो चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन वही इतनी अच्छी होती हैं कि इनको खाने के लिए लोग बहुत लंबी लंबी लाइन्स में भी वेट करते हैं। बाहर से काफ़ी यू नो एक ब्लैक पेपर आपको नज़र आएगा, उसका कलर आपको दिखेगा, और वेरी गुड प्लेस टू हैव अ नाइस साबूदाना वड़ा, मेरे को तो पसंद आई पड़ता है। आज की लास्ट जगह जो हम लोग आ चुके हैं वो है समर्थ जूस सेंटर। आई एम अ बिट लाउड जस्ट बिकॉज मेरा माइक थोड़ा सा खराब हो गया। लास्ट चीज़ जो हम लोग आज ट्राई कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी अ पाइनएप्पल आइसक्रीम सरबत। इट्स बेसिकली अ पाइनएप्पल ड्रिंक टॉप विद अ पाइनएप्पल आइसक्रीम। देयर इज अ कॉन्स्टेंट टेस्ट ऑफ पाइनएप्पल पल्प एंड इवन द आइसक्रीम इज क्वाइट नाइस एंड क्रीमी। इट्स सॉर्ट ऑफ अ मिल्कशेक, बट इसमें ना पाइनएप्पल शरबत और पाइनएप्पल का पल्प होता है वो काफ़ी यूज किया जाता है, बिकॉज ऑफ विच इट मेक्स इट अ बिट ऑफ थिन, बट एट द सेम टाइम आपको इतना पता लगेगा नहीं टेस्ट में। एंड दे हैव टॉप्ड इट विद अ पाइनएप्पल आइसक्रीम। थोड़ा जल्दी बात करो क्योंकि मेरा माइक खराब हो चुका है, तो आई जस्ट हैव टू रैप इट अप अ बिट क्विकली, बट दिस थिंग इज वेरी गुड, यू कैन गिव इट अ शॉट। ओके गाइज, दैट वॉज इट फ्रॉम नासिक स्ट्रीट फूड। वैसे मेरी फैमिली भी यहाँ पे बैठी हुई है, पूजा एंड मॉम है पीछे। हम लोग एक ही दिन के लिए थे नासिक में क्योंकि हमको एक दिन में वापस जाना था, तो मैंने ट्राई किया जितना मैं कर सकूँ, आप सभी को उतना दिखाया है। अगर आपको नासिक का एक और स्ट्रीट फूड देखना है जो मैंने मिस किया है, या काफी चीजें मैंने ऑफकोर्स मैंने मिस की होंगी, तो अगर आपको ऐसी चीजें चाहिए मैं सेकंड टाइम वापस आके कवर करूं स्पेशली, आप प्लीज जाकर कमेंट बता दीजिए मुझे क्या क्या नेक्स्ट टाइम करना चाहिए। ये वीडियो यहीं तक था, अगर आपको ये वीडियो देख के मजा आया तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन। आई विल सी यू द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज ऑलवेज सेफ, पीस।